लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारा ऑनलाइन बैच चालू है और उस बैच में लगातार कक्षाएं चल रही हैं। ऑनलाइन बैच में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है और एडमिशन लेना चाहते हैं, वे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने की संपूर्ण जानकारी दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके हासिल कर सकते हैं। इस ऑनलाइन क्लास में राजनीति विज्ञान का कंप्लीट अध्ययन कराया जा रहा है, जिसमें आपको पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थ्योरी, भारत का संविधान, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे इस विशाल पैकेज कोर्स में जो ऑनलाइन चल रहा है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग राजनीति विज्ञान के सवालों को हल कैसे करें इस श्रृंखला को चला रहे हैं। अभी तक आपने अध्ययन किया है, उसी कड़ी में आज का यह अध्ययन हम लोगों के ऐसे 10 सवालों के ऊपर है, जो 10 सवाल न केवल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे सवाल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उनके आसपास ऐसे भी सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जिनका डिस्कशन करना आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आवश्यक है। तो ऐसे 10 महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। 10 महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करना भी स्टार्ट करें। हम लोग पहले बात करते हैं ऐसे टॉपिक के जिस पर 2 मिनट में एक सार समरी तैयार करते हैं। तो हम लोगों का आज का 10 प्रश्न उस महत्वपूर्ण चिंतक के ऊपर आधारित है जिसने आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ किया और आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता के नाम से प्रख्यात है। ऐसे चिंतक का नाम है मैकियावेली। अनेक राजनीतिक दार्शनिकों ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। यह बात भी सच है कि सभी राजनीतिक विचारक अपने देश काल परिस्थिति से प्रभावित होता है और देश काल परिस्थितियों से प्रभावित होकर उसमें उत्पन्न होने वाली तत्कालीन समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। लेकिन अगर इसी संदर्भ में यह बात देखा जाए तो मैकियावेली के ऊपर यह बात और भी सटीक बैठती है। इसलिए मैकियावेली को कहा जाता है कि वह अपने युग का शिशु था। मैकियावेली का संबंध है इटली से और मैकियावेली का उद्देश्य था इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। मैकियावेली पहला ऐसा चिंतक है जिसने राजनीति को धर्म से पृथक करके नैतिकता और अनैतिकता को परे रखकर राजनीति विज्ञान का प्रतिपादन करना स्टार्ट किया था। इनके द्वारा अपने संपूर्ण राजनीतिक चिंतन को इटली के राष्ट्रवाद पर आधारित बतलाया गया। कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया, द प्रिंस, डिस्कोर्सेस, आर्ट ऑफ वॉर, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मानव का स्वभाव, शासन की प्रणाली, राज संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अनेकानेक ऐसे अवधारणाएँ रहीं जिन अवधारणाओं के ऊपर मैकियावेली के द्वारा अपने विचारों का प्रतिपादन किया गया। तो चलिए आज ऐसे ही महान चिंतक मैकियावेली के संदर्भ में हम लोग 10 ऐसे सवालों को बात करते हैं जो सवाल मैकियावेली के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का निचोड़ होगा और हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करना स्टार्ट करें मैकियावेली के संदर्भ में। तो पहला ही
प्रश्न इस पर बनता है। पहला प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्र राज्य के अवधारणा का राष्ट्र और राज्य के अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। अगर यह सवाल हमको पूछा जाता है तो इसका उत्तर आपको बतलाना है। अरस्तु के द्वारा, मैकियावेली के द्वारा या हॉब्स के द्वारा या हीगल के द्वारा। इसका सही जवाब आपको बतलाना है कि यह राष्ट्र राज्य के अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। अरस्तु ने किया था, मैकियावेली ने किया था, हॉब्स ने किया या हीगल ने किया। तो इसका सही उत्तर होगा, आप लगा रहे होंगे, आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर एकदम सही आपने लगाया है, इसका सही उत्तर होगा मैकियावेली। मैकियावेली इसका सही उत्तर है। और मैकियावेली का संबंध है इटली से और यह राष्ट्र राज्य की संकल्पना आई है 16वीं सदी में। और यह राष्ट्र राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था द प्रिंस नामक पुस्तक के अंतर्गत। यह बात आपको समझना था। अरस्तु के द्वारा बात किया गया था लेकिन राष्ट्र राज की बात ना करके सिटी स्टेट की बात की गई थी, नगर राज की बात की गई थी। इसलिए अगर आता है कि सिटी स्टेट का संबंध कहाँ से है तो यूनान से होगा, लेकिन अगर आता है कि राष्ट्र राज का संबंध कहाँ से है तो राष्ट्र राज का संबंध होगा इटली से। राष्ट्र राज की अवधारणा का संबंध है इटली से। हॉब्स के द्वारा कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया गया था राज के लिए, जबकि हेगल ने विश्व राज की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रकार से ऐसे चिंतक रहे जिनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। अब आपको समझना है प्रश्न संख्या दो पर। प्रश्न संख्या दो के अंतर्गत आपको यह बात समझना है कि राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत किसने दिया। राज्य सुरक्षा का सिद्धांत किससे संबंधित है। राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत संबंधित है। हमको सवाल आ गया जेस मिल का, हमको आ गया कि हर्बर्ट स्पेंसर का, या हमको सवाल आ गया कि मैकियावेली का, और अगला अल्टरनेट आपको पूछ लिया गया कि राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत संबंधित है कार्ल मार्क्स से। तो आपको इसमें सही उत्तर क्या लगाना है। राज्य की सुरक्षा का संबंध है मैकियावेली के द्वारा। क्यों? क्योंकि मैकियावेली का उद्देश्य था इटली की सुरक्षा करना और बाह्य विदेशी आक्रमण से रक्षा करके इटली को शक्तिशाली बनाना और इटली के ऊपर होने वाले आक्रमण को पूर्णतया उसकी संभावना को खत्म कर देना, इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना ही मैकियावेली का उद्देश्य था। इसलिए मैकियावेली को ये यथार्थवादी चिंतक कहते हैं।
और मैकियावेली के द्वारा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसलिए अगर हमको यह सवाल भी पूछ लिया गया कि मैकियावेली के द्वारा किस पद्धति का प्रयोग किया गया, तो अपने अध्ययन के अंतर्गत इनके द्वारा ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। आपको यह सवाल लगाना है कि इनके द्वारा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया, और ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत दिया गया। अब अगला सवाल हमको और इनके मैकियावेली के ऊपर पूछा गया कि कौन ऐसा चिंतक है जिसके द्वारा साध्य किस चिंतक के द्वारा साध्य को महत्वपूर्ण माना गया, साध्य को महत्व देते हुए कहा गया कि साधन तो सदैव पवित्र ही होगा। यह कथन है किसका? आपको दिया यह सवाल आपके यह कथन है मैकियावेली का। हमको यह सवाल भी पूछा गया आके यह कथन है हेगल का, आया यह कथन है आसी प्लेटो का, या यह कथन है आल ऑफ द एबव सभी का। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे। आपको यह बात मालूम है कि दोनों ही चिंतक किसके संबंधित हैं? आदर्शवाद से, और आदर्शवाद मानता है राज्य को साध्य मानता है, और यह साध्य को अधिक महत्व देता है, लेकिन राज्य की सर्वोच्चता के संदर्भ में व्यक्ति को साधन मानता है। मैकियावेली के द्वारा कहा गया कि राष्ट्र ही साध्य है, राष्ट्र साध्य है, और राजा के द्वारा केवल असाध्य की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव पवित्र ही होगा, आवश्यकता अनुसार उसकी निंदा और प्रशंसा की जाती रहेगी। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत आपको सवाल पूछा गया, सवाल यह है कि जो कार्य धर्म के क्षेत्र में धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा किया गया, वही कार्य राजनीति विज्ञान में किस चिंतक ने किया। आपको यह सवाल पूछा गया तो आपको लगाना है कि यह काम हॉब्स ने किया था, यह काम लॉक ने किया, या यह काम बेंथम ने किया,
या यह काम किया था मैकियावेली ने, तो आपको बात मालूम है कि यह काम किया है। आप बताइए कि यह काम किसने किया। यह काम किया है मैकियावेली ने। मैकियावेली के द्वारा आ वही कार्य किया गया धर्म के क्षेत्र में जो कार्य धर्म सुधार आंदोलन ने किया था। राजनीति विज्ञान में वही कार्य किया है मैकियावेली ने। क्यों? क्योंकि मैकियावेली के द्वारा राजनीति से नैतिकता या धर्म का पृथककरण किया गया। हमको सवाल एक यह भी आता है कि पुनर्जागरण क्रांति का प्रश्न संख्या 5 में आपको सवाल पूछा गया। प्रश्न संख्या 5 में आपको यह सवाल पूछा गया आके पुनर्जागरण क्रांति का प्रतिनिधि विचारक कौन है। प्रतिनिधि विचारक आप किसको कहा जाता है। प्रतिनिधि विचारक कौन है। अगर यह सवाल पूछा गया आपको बतलाना है कि मैकियावेली है। आपको और यह सोचना है कि यह विचारक मैकियावेली ना होकर के क्या यह विचारक जॉन लॉक या रूसो या बेंथम है। तो आपको सही उत्तर इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा मैकियावेली। क्योंकि मैकियावेली के द्वारा पुनर्जागरण क्रांति का एक प्रकार से तर्क और विवेक के आधार पर व्याख्या किया गया और इनके द्वारा इसी बात का प्रतिपादन किया गया कि पुनर्जागरण क्रांति का मैकियावेली के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। मैकियावेली को पुनर्जागरण क्रांति का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है। अगला हमको सवाल यहाँ पर यह पूछा गया जिसमें सवाल है कि राजनीति से धर्म का राजनीति से धर्म का पृथककरण किस चिंतक के द्वारा किया गया। आपको यह आएगा उत्तर है महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा आपको दिया इसमें मैकियावेली के द्वारा और तीसरा इसमें दिया था आचार्य कौटिल्य के द्वारा और चौथा इसमें दिया था हेगल के द्वारा। क्या लगाएंगे किसने राजनीति को धर्म या राजनीति से धर्म का पृथककरण किया। और कहीं कहीं आपको लिखा आता है राजनीति से नैतिकता का और इनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि नैतिकता और अनैतिकता राजनीति के लिए कोई मानने वाली बात नहीं है। इसलिए राजा को केवल राज की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव पवित्र ही होंगे। और आपका एकदम सही उत्तर आपने लगाया है। इसका सही उत्तर होगा मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि राजनीति से धर्म का पृथककरण किया जाए। अब देखिए अगला सवाल हम लोगों का ये यहाँ पर पूछा गया और सवाल यहाँ पर यह है सवाल यह पूछा गया कि मैकियावेली को
प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया कि मैकियावली को आपने युग का मैकियावली को आपने युग का अपने युग का शिशु किसने कहा है? किसने कहा कि यह अपने युग का शिशु है? पहला है आशेवाइन के द्वारा कहा गया, बे है आर्नेसा के द्वारा कहा गया, और सी में आपको आया प्रोफेसर डनिंग के द्वारा कहा गया, और डी को मैं आपको सवाल पूछा गया आके डी में इसका सही उत्तर आपने लगाया वेपर। आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? सेवाइन के द्वारा, हार्नेशा के द्वारा, डेनिंग के द्वारा या वेफर के द्वारा मैकियावली को अपने युग का शिशु किसने कहा है? मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा डनिंग ने, क्योंकि तत्कालीन इटली के परिस्थितियों का मैकियावली के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन पर गहरा प्रभाव है। इसे गहरे प्रभाव के कारण डनिंग के द्वारा कहा गया कि मैकियावली अपने युग का शिशु कहलाता है। इस बात का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया और बतलाया गया कि मैकियावली अपने युग का शिशु कहलाता है। यह बात इन्होंने कहा था, मैकियावली अपने युग का राष्ट्रीयता का, मैकियावली अपने युग के राष्ट्रीयता का, अपने युग के राष्ट्रीयता का पहला विचारक है। यह सवाल आपको आया, यह कथन है किसका? यह कथन है क्या लगाएंगे? यह कथन है किसका? हार्नेसा का। आपको आएगा तो आपको लगाना है कि यह कथन है हार्नेसा का। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको पूछा गया किस चिंतक के द्वारा स्त्री की तुलना किस चिंतक ने स्त्री के तुलना धन से किया था? उत्तर होगा इसका क्या? मैकियावली के द्वारा स्त्री के तुलना धन से की गई थी। इनका प्रसिद्ध कथन है कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है, लेकिन संपत्ति के अपहरणकर्ता को। मैकियावली का कथन है कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है, लेकिन संपत्ति के अपहरणकर्ता को
अपहरणकर्ता को माफ नहीं कर सकता। यह कथन भी है किसका, आपको लगाना है। यह कथन है मैकियावेली का, और मैकियावेली के द्वारा अपने इस बात को बतलाया गया कि एक व्यक्ति स्वार्थी है और वह अकृतज्ञ है और वह केवल अपने हित के बारे में चिंतन करता है। वह इतना अधिक स्वार्थी है कि वह अपने पिता के हत्यारे को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन संपत्ति के अपहरणकर्ता को माफ़ नहीं कर सकता। आपको अगला सवाल प्रश्न संख्या 9 में आया सवाल पूछा गया कि किसने कहा है कि शासक में किसने कहा कि शासक में शेर एवं लोमड़ी का गुणों का मिश्रण गुणों का मिश्रण होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है आपको सवाल के रूप में आया तो आपको क्या बतलाना है। यह कथन है महत्वपूर्ण आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता, और इनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया आके राजा में शेर के समान शक्ति होनी चाहिए और लोमड़ी के समान वह इतना चालाक हो कि वह शत्रु के षड्यंत्र को आसानी से समझ सके। तो यह सवाल अगर हमको पूछा जाता है कि राजा में शेर और लोमड़ी के गुणों का मिश्रण होना चाहिए, यह कथन किसका है, तो आपको बतलाना है कि यह कथन है मैकियावेली का, और मैकियावेली का संबंध है आयतली से। मैकियावेली के द्वारा जिन महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया गया उसमें द प्रिंस, डिस्कोर्सेस, आर्ट ऑफ वॉर, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस का नाम महत्वपूर्ण है। इसी बात पर आधारित है आपके प्रश्न संख्या 10 पर, इसी पर आधारित है। और मैं आपको सवाल यह है कि मैकियावेली के द्वारा गणतंत्र शासन प्रणाली को उत्तम माना गया आपने किस पुस्तक में उत्तम माना गया था आपने किस पुस्तक में अगर यह सवाल पूछा गया तो आपको लगाना है कि क्या सही है। द प्रिंस आपको आया कि डिस्कोर्सेस तीसरा था आर्ट ऑफ वार और चौथा इसमें दिया था द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। अब आपको लगाना है कि मैकियावेली के द्वारा आपने किस किताब के अंतर्गत माना गया था कि गणतंत्र उत्तम शासन प्रणाली है, और उसमें पहला है द प्रिंस, दूसरा है डिस्कोर्सेस और तीसरा है
आर्ट ऑफ वॉर और चौथा है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो आपको क्या लगाना है, उत्तर सही लगा करके आप हमको सूचित करें। इसका सही उत्तर क्या होगा? एकदम इसका सही उत्तर सही है, डिस्कोर्सेस डिस्कोर्सेस इसका सही उत्तर है। मैकियावेली ने गणतंत्र को उत्तम शासन अपनी जिस पुस्तक में बतलाया उसका नाम था डिस्कोर्सेस, जबकि अपनी किताब द प्रिंस के अंतर्गत उनके द्वारा निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया। इन्होंने इस बात को कहा था के डिस्कोर्स उत्तम शासन प्रणाली है, परंतु इटली के लिए मैं द निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता हूँ। क्यों? क्योंकि इटली का मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, दुष्ट और कृतघ्न है। राष्ट्रवाद के भावना को उत्पन्न करने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निरंकुश शासन प्रणाली का होना आवश्यक है। तो हम लोगों के क्लास का आज का ये था टॉप 10 सवाल राजनीति विज्ञान का। इसको आप पढ़ें, अपनी किताब को पढ़ें, प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल को पढ़ें। आप पढ़ करके निष्कर्ष को निकालें, उसके आसपास सोचने का प्रयास करें। ये ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना है। मैंने इसका डिस्कशन किया। चले, आज का यह क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।